मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है, अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बाबू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी सूर्पनखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा, रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं नहीं, और जाएगी। देखिए एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो? मैं देख लूंगा। देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है कॉफी। मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? थैंक्स यार ब्रह्मा, तू सही वक्त पर नहीं आता ना तो पीटर के फ्रस्ट्रेशन में मेरा ग्लैमर खराब हो जाता। तू तो फंसता नहीं है, मुझे ही फंसा देता है। 100 यूरो देने पर उस पुलिस वाले ने छोड़ा था, अब अगर लड़कियों के मैटर पर ब्रेक नहीं लगाया ना तो हम दोनों की बॉडी पर ब्रह्मा ब्रेक लगा। May I? Sure.
ब्यूटीफुल इजंट इट, पर तुम्हारी जितनी नहीं, तुमसे 10 गुना कम। अब तुम्हारी आंखें देखी तो 20 गुना कम, सॉरी पहले तुम्हारी नाक नहीं देखी थी, आई थिंक 30 गुना कम। फाइनली लिप्स देखकर कह रहा, तुम्हारे और बरसात के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? ठंड को कम करने वाला कोई भी काम चलेगा। What? I mean, कॉफी? Sorry, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कॉफी पीना पसंद नहीं है। स्ट्रेंजर्स? मुझे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है? समझ गई। इंडिया में तो तुम्हारे जैसे पागल को ले जाने के लिए 1404 डायल करते हैं, यूरोप में क्या करते हैं? शायद तुम मुझे नहीं जानती। I'm Arjun. Some call me a rock star, some call me a millionaire, and some people... खैर वो छोड़ो। पास में मेरा एक अपार्टमेंट है, कुछ देर हम दोनों... Excuse me, Mr. So-called rock star. तुम जैसे कई फ्लर्ट्स को देखा है। I hate people like you. तुम जितनी भी पिकअप लाइंस यूज करो, वेस्ट है। Goodbye. Sexy and stubborn. I like the combination. तुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया? ये तो यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। एक काम कर, 3 दिन उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहे। उसे जितना भाव दे सकता है दे दे। 4th दिन भी घूमना। लेकिन जब वो तुझे देखे तो देखना मत। तब वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी कि पूछ मत। पर देखने के बाद। हेलो? अरे बोल तो कुछ। बात क्या करूंगा मैं? अरे सुन, हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे तू सुन रहा क्या मुझे? अरे अंकल बैठ जाओ ना। अरे यार, ये तो मुझे ही देखे जा रही है। बता दे। ब्लाइंड है दादा? आ चलो। My first love story is a blind love story. कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए। और तुमने ऐसा क्यों किया? दादा, लड़के सोचते हैं लड़कियों को पटाना आसान है, इसलिए उसे ऐसा सबक दिया जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इस सब का एडवांटेज उठाकर मुझसे शादी वादी करने का प्लान बनाया ना तो मार दूंगा। समझ गई ना? क्या समझते हो तुम? हाँ, तुम्हारा इस्तेमाल किया तो तुम मुझसे ये सब करवाओगे? हाँ, अग्रीमेंट पे साइन किया इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो? हाँ, नहीं तो? नहीं तो? हाँ, नहीं तो? अभी जो मेरा दोस्त आया था ना, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। अगर वो चली गई तो वो मर जाएगा। उनका प्यार बचाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं। तुम्हारा इस्तेमाल करना होता तो उस पेपर पे जो चाहे लिख सकता था, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। जानती हो क्यों? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तभी एहसास हुआ। तुमने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करवाई और मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। तुमने जो कहा प्यार से किया, प्यार के लिए किया। आई लव यू नंदू। अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो कल मुझसे आकर कह देना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम
बाय।